आज हम बनाने जा रहे हैं हर्बल टी। आजकल कोरोना बहुत फैल गया है तो हमें ये टी पीनी चाहिए। तो आप दिन में 2 बार इसको ले सकते हैं। आप इसको खाली पेट भी ले सकते हैं और आप इसको दोपहर को लंच के बाद या डिनर के बाद भी ले सकते हैं। ये मैंने ली है थोड़ी सी सौंफ, ये ली है मैंने, 2 ली है मैंने इलायची और 2 लिए हैं लौंग। मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ। ये थोड़ा सा लिया है मैंने अजवाइन, ये ली है थोड़ी सी मैंने लिए हैं काली मिर्च और ये ली है मैंने दालचीनी। ये है दालचीनी जिसको सिनेमन भी बोलते हैं हम। ये होता है सिनेमन, ऐसे दालचीनी होती है, ये देखें। तो उसको मैंने टुकड़े में कर दिया है। और ये है लेमन ग्रास, ये मैंने लिए हैं लेमन ग्रास को भी मैंने ऐसे कर लिया है। ये आपके पास है तो आप डालें, मेरे पास थी तो मैंने इसलिए मैंने डाल दी है। मैंने ये लिया है 2 कप मैंने लिया है पानी, ये कप लिया था मैंने, ये मैंने 2 कप लिया है। और चलिए मैंने कैटल में डाल दिया है, अब हम चाय बना लेते हैं। ये मैंने लिया है हमाम दस्ता। अब हम इसमें थोड़ा सा इसको पाउडर सा बना लेते हैं, ज़्यादा पाउडर नहीं बनाएंगे। तो पहले हम इसको कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने ले लिया है मॉर्टर एंड पेस्टल जिसको हमाम दस्ता भी बोलते हैं। अब हम इसमें सारे मसालों को, जो भी स्पाइसेस हैं, अब हम इसमें थोड़ा सा कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे, ली मैंने थोड़ी सी सौंफ ली। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से देख लीजिएगा, कम ज़्यादा आप जैसे आप प्रेफर करते हैं। ये मैंने डाली इलायची और लौंग। देखिए फ्रेंड्स, बस हम इतनी से डालेंगे दालचीनी। अब मैं इसमें डाल दूंगी काली मिर्च। ये काली मिर्च मैंने डाल दी है। तो ये जब हम ये सारे स्पाइसेस डाल देते हैं चाय के अंदर तो इसका इतना अच्छा अरोमा निकलता है कि आपकी जो किचन है पूरी महक जाती है। हम इसको बिल्कुल पाउडर नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा हम दरदरा रखेंगे इसको, थोड़ा मोटा मोटा। या आप ऐसे भी डाल सकते हैं, बट मैंने देखे इसको कर दिया है तो इससे ज़्यादा ठीक रहेगा। पाउडर नहीं बनाया मैंने इसको। ये देखिए बस इतना ऐसे कर दे कि इलायची पीसी गई है इसमें, तो इसमें हो गई है, ये इतना मोटा सा दरदरा सा हो गया है ये। तो आप इसमें अदरक भी डाल सकते हैं, पर हम अदरक वाली दूध वाली चाय पीते हैं तो मैं इसमें अदरक नहीं डाल रही हूँ। ये फ्रेंड्स, अब हम इसको फ्लेम को ऑन करेंगे। इसको मीडियम फ्लेम में इसकी रखूँगी, ये कैटल इस पर रख दूँगी मैं। मैंने इसमें डाला है 2 कप मैंने पानी डाल दिया है, इसकी रखी है मीडियम फ्लेम। देखिए अब ये सारा मैं इसमें डाल दूंगी। ये फ्रेंड्स, अब मैं इसके साथ डाल रही हूँ अजवाइन। मैंने उसमें अजवाइन नहीं डाली थी, अब मैं इसमें डाल रही हूँ लेमन ग्रास। ये जो लेमन ग्रास है अब हम ये डालेंगे इसमें। देखिए फ्रेंड्स, हमने सब कुछ इसके अंदर डाल दिया है। बहुत अच्छी इसकी बॉइलिंग शुरू हो गई है। कितने अच्छा कलर देखें इसका, कितना अच्छा गोल्डन सा कलर आ रहा है। तो हमने इसमें कोई चाय पत्ती नहीं डाली है, हमने इसको ऐसे ही हम बना रहे हैं। तो बहुत हेल्दी है, जैसे कोरोना चल रहा है आपको ये डेली लेनी चाहिए। तो जैसे नीचे गर्मी होती है, जैसे प्लेन्स वगैरह में, पंजाब हरियाणा वगैरह में गर्मी है, तो आप क्वांटिटी अपनी कम रख सकते हैं। हमारे शिमला में तो ठंड है तो हमने अपनी क्वांटिटी इसमें हम ले लेते हैं, तो इसको 2-3 बारी हम पी लेते हैं यहाँ पे। बट आपके उधर आप देखें तो आप अपनी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, आप दिन में 1 बार ही ले सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा बॉयल आ रहा है। बस इसको हम बॉयल आने देंगे। तो आप इसमें गुड़ या शक्कर भी डाल सकते हैं, बट मैं इसको ऐसे ही लेती हूँ। तो अब बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा जो भी स्पाइसेस हैं इसमें। ये हो चुका है, इसको बॉयल आ चुके हैं। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ इसकी फ्लेम को। देखिए फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है, अब मैं इसको कर देती हूँ कवर। ये देखें कितना अच्छी ये हमारी टी रेडी हो चुकी है, हमने कितना कुछ इसमें डाल दिया है। ये हमारी टी रेडी हो चुकी है, हर्बल टी हमने बनाई है। इसका कलर देखें कितना अच्छा आया है इसका कलर, और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। जैसे आजकल कोरोना चल रहा है तो हमें ये टी दिन में 1 या 2 बारी जरूर लेनी चाहिए। हमें दूध वाली चाय भी लेनी चाहिए, हम उसमें हम अदरक और काली मिर्ची डाल के भी ले सकते हैं, पर ये हमारी जो चाय है ये परफेक्ट है कोरोना के लिए। स्टे होम एंड स्टे सेफ।